चलिए दोस्तों बनाते हैं सूजी के रसगुल्ले। सूजी के रसगुल्ले बनाने के लिए पहले लेंगे थोड़ी सी सूजी, उसको अच्छे से छान के साफ़ कर लेंगे। उसके बाद उसमें डालेंगे थोड़ा सा चुटकी भर सोडा, बेकिंग सोडा जो खाने वाला सोडा होता है। उसके बाद में 1-1.5 चम्मच लेंगे शुद्ध देसी घी और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद में इसमें एकदम चिल्ड ठंडा दूध डाल के इसको अच्छे से गूँथ लेना है। आपको याद रखना है कि ठंडे दूध से ही इसको गूँथना है, गरम किया हुआ फ्रिज में रखा ठंडा दूध इसको अच्छे से गूँथ लेंगे। सूजी हमारी पानी हो या कुछ भी हो बहुत सूखती है, इसलिए इसको मतलब गीला ही गूँथना है। ये देखिए इतना गीला गूँथना है कि ये हाथ में आए ना, काफ़ी गीला गूँथ के इसको रख देना है अच्छे से घी लगा के। 1.5 घंटे के लिए इसको अच्छे से रख देंगे ताकि सूजी हमारी अच्छे से फूल जाए। उसके बाद में तब तक 1.5 घंटे के लिए रख देंगे। उसके बाद में हम बना लेंगे चाशनी। चाशनी बनाने के लिए लेंगे 1 से 1.5 गिलास पानी। उसके बाद में उसी के हिसाब से डाल देंगे चीनी, और मैंने चीनी 1 कटोरी डाल ली थी। उसके बाद में 4 से 5 इलायची डाल देंगे, आप इलायची पाउडर या फिर मतलब इलायची भी डाल सकते हैं। उसके बाद में इसको अच्छे से चलाएंगे। चाशनी हमारी ये देखिए उबलने लगी है, इसको अच्छे से चलाते रहेंगे। सूजी के रसगुल्ले बहुत ही अच्छे बनते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप लोग एक बार ज़रूर बना के देखिए। ये देखिए चाशनी हमारी खोलने लगी है, मतलब जैसे आज बनाए हैं सूजी के रसगुल्ले, तो 24 घंटे बाद खाना तभी ये फूल पे अच्छे लगेंगे। फूलने के बाद ही बहुत ही टेस्टी लगते हैं। चाशनी आपको चेक करना भी है बीच में। चाशनी चेक करने के लिए आप थोड़ी सी चाशनी लेंगे, उसको ठंडा करने के बाद ऐसे हाथ में देखेंगे, चिपचिपी सी लगे तब जान जाइए कि चाशनी हमारी बनके तैयार हो गई है। लेकिन उसमें तार न टूटने पाए। उसके बाद में रसगुल्ले तलने के लिए डालेंगे तेल। आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं, सरसों का, रिफाइंड, कोई भी ऑयल, घी, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में इसको अच्छे से फिर से गूँथ लेंगे पटक पटक के। उसके बाद में इसकी छोटी छोटी सी लोइयां बना लेंगे, एकदम छोटी छोटी सी सारी लोइयां काट के उनके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। आपको बड़े या छोटे जैसे भी बनाने हों उनके बॉल्स बना लेंगे। उसके बाद में ये देखिए मैंने 15 बॉल्स पूरे बनाए हैं। उसके बाद तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए, हाई फ्लेम पे तेल होना चाहिए। पहले हाई फ्लेम पे तेल होगा, उसके बाद में सारे रसगुल्ले हम तेल में डाल देंगे। तेल में डालने के बाद में उसके बाद में हम फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम पे सारे रसगुल्ले अच्छे से पका लेंगे। आपका जैसे रसगुल्ले खाने का मन करे तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं, लेकिन फटाफट घर पे ये रसगुल्ले बना लीजिए, सूजी के बहुत ही टेस्टी बनेंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि ये जो है मतलब मार्केट के नहीं हैं या फिर सूजी के हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। एक बार आप लोग ज़रूर बना के देखिए। उसके बाद इन रसगुल्लों को गोल्डन फ्राई होने तक अच्छे से इनको फ्राई कर लेंगे। लो फ्लेम पे करेंगे, नहीं तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। हमारे घर पे सबको रसगुल्ले बहुत पसंद आए थे। ये देखिए इनका कलर काफ़ी चेंज हो गया है, एकदम गोल्डन ब्राउन हो गया है, लेकिन और अभी इनको पकाएंगे एकदम लाल लाल हो जाएंगे, तभी तो ये काले जाम लगेंगे। इनको अच्छे से पकाने के बाद इनका तेल अच्छे से निकाल लेंगे एक छन्नी में निकाल के। उसके बाद में सारे रसगुल्लों को चाशनी में डाल देंगे। उसके बाद इनको 2-3 घंटे के रखने के बाद में ही इनको फ्रिज में ठंडा करने के बाद आप इनको गर्मा गर्म सर्व कीजिए, खाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ओके, बाय।